नमस्कार, मैं हूं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आशा वर्करों की हड़ताल 48वें दिन में प्रवेश कर गई है। आज की हड़ताल की अध्यक्षता जिला प्रधान नीरू बाला और संचालन जिला सचिव राजेश ने किया। आज की हड़ताल में सीटू सर्व कर्मचारी संघ, अखिल संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान सभा, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, भारतीय किसान यूनियन ने आशा वर्करों को अपना समर्थन दिया। भारतीय किसान सभा से जनरल सिंह सांगवान ने कहा कि सभी संगठनों में पुलिस के रवैये के प्रति काफी रोष है। उन्होंने कहा कि यदि अब सरकार ने आशाओं के साथ तानाशाही रवैया अपनाया तो उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अखिल भारतीय किसान मोर्चा उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। आज सुबह आशा वर्कर भारी संख्या में डीसी ऑफिस पर इकट्ठा हुई और किसान मोर्चा के साथ मिलकर अनाज मंडी में प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि सरकार आशा वर्करों के राज्य प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर बातचीत करे, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। सीटू जिला प्रधान राजकुमार कंबोज ने कहा कि सरकार आशा वर्करों के साथ बहुत अन्याय कर रही है। 4000 में 40 प्रकार के काम करवाए जा रही हैं, जिनमें से केवल कुछ ही कामों के उनको पैसे मिलते हैं, बाकी सभी कार्य उनसे बिना पैसों के करवाए जा रही हैं। उन्होंने सरकार को चेताया कि सरकार अपनी हठ धर्मिता से बाज आ जाए और आशा वर्करों की समस्याओं को सुना जाए ताकि प्रदेश में शांति बनी रहे। अनाज मंडी से आशा वर्करों को बसों में भरकर यमुनानगर स्टेडियम में लाया गया, जहां पर आशाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। आज की हड़ताल में गुलशन भारद्वाज, विनोद कुमार त्यागी, विजय पाल, सतीश राणा, महिपाल चमरोड़ी, प्यारे लाल, धर्मपाल चौहान, राजवीर पंडोरा, रोशन लाल शामिल हुए। आशा वर्करों में राजविंदर, मीना, पूजा, राजू, अंजू, पिंकी समेत अन्य शामिल हुई। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।